नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनचंद भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों के बारे में। अगर आप रेलवे से यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। बता दें कि भागलपुर रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। जमालपुर के पास नन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों को पुराने रूट में बदलाव किया गया है। भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस बांका के रास्ते चल रही है, वहीं बंगाल जाने वाली कई ट्रेनों पर भी जो है इसका असर साफ तौर पर पड़ा है। रेलवे की तरफ से जारी सूचना के अनुसार भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 134/19, 134/20 रविवार से दोनों दिशाओं में चलना बंद हो गया है। यह 27 जनवरी तक नहीं चलेगी। वहीं जयनगर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 1554 भी जयनगर से परिचालन बंद हो गया है। यह ट्रेन सोमवार से भागलपुर के लिए नहीं चल रही है। जयनगर से 27 जनवरी व भागलपुर से 28 जनवरी तक के लिए ट्रेन बंद रहेगी। इसके साथ साथ राजेंद्र नगर टर्मिनल बांका इंटरसिटी 13242 यह ट्रेन सोमवार से 26 जनवरी तक राजेंद्र नगर टर्मिनल से रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 13409/13410 मालदा टाउन किउल मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस भागलपुर से ही लौट गई। यह ट्रेन 28 जनवरी तक इसी तरह भागलपुर से लौटती रहेगी। इधर भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस रविवार को बांका जयसिडी के रास्ते अपने गंतव्य की ओर गई। ऐसे में कहा गया है कि यह ट्रेन 26 जनवरी तक इसी रूट पे जाएगी। इस कारण से यह भी बताया गया है कि यह ट्रेन भागलपुर में सप्ताह में दो ही दिन चलेगी। यह ट्रेन मंगलवार और गुरुवार को चलेगी। 13023/13024 हावड़ा गया हावड़ा एक्सप्रेस आसनसोल झाझा के रास्ते जो है यह रविवार से चलने लगी है। यह ट्रेन 28 जनवरी तक बदले हुए रूट पर ही चलेगी। 13023 हावड़ा गया एक्सप्रेस की बात करें तो यह ट्रेन हावड़ा से 28 जनवरी तक 3:10 लेट, यानी कि 3:10 लेट से जो है यह चलेगी। कई ट्रेनों के जो है कैंसिल करने की भी बात कही गई है। ट्रेन कैंसिल होने को लेकर रेलवे ने पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भागलपुर किउल रेलखंड पर रतनपुर जमालपुर के बीच दोहरीकरण लाइन के लिए नन इंटरलॉकिंग कार्य कराया जा रहा है। यह काम 28 जनवरी तक पूरा होगा। इसके मद्देनजर पूर्व रेलवे ने पहले ही 5 जोड़ी एक्सप्रेस व 10 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों के रद्द करने, 9 ट्रेनें के रूट बदलने और 5 ट्रेनों के टाइम में बदलाव और 2 ट्रेनों को 1 घंटे कंट्रोल कर चलाने की घोषणा की है। ऐसे में यात्रियों को 28 जनवरी तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तरह से कह लें कि भागलपुर की जो रूट है उसमें 30 ऐसी ट्रेनें हैं जिसको कि रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ कई जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जिनको कि अपने गंतव्य तक जाना है, उन ट्रेनों को जो है उनके रूटों में बदलाव किया गया है। अगर आप इस दौरान यात्रा करना चाहते हैं, अगर आपका टिकट इन ट्रेनों में है तो आप अपने ट्रेन को एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कई ट्रेनों के रूटों में जो है वह बदलाव किया गया। साथ ही साथ कई ट्रेनों के रूटों को जो है आने और जाने के स्थान में भी बदलाव किया गया। साथ ही साथ कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।